हुआ था मैं खुद, मैं एक मर्द हो के, मैं एक हिम्मत वाला आदमी हो के, मैं अपने आप को एक हिम्मत वाला आदमी समझता हूँ, फिर भी मैं डर गया था आग देख के। खाना वगैरह खाया रात को 12 बजे, सब नींद में था। और जो शमशीदा का झुग्गी से कोई है भी नहीं है, खाली झुग्गी से आँख इतना बड़ा होकर आँख जल रहा है, सब सिल्ला रही है, आँख जला आँख लगी सब अपना अपना जान बचा रही है। जितना 56 फैमिली है, एक को भी सामान किसी ने बचाने नहीं पाया। अब अपना ही ढोले पहना आग जो है, हम बुझाने के लिए जो आदमी गए थे उनके ऊपर ही आ रहा था, इसलिए हम डर के मारे हमने सोचा कि हम बुझा नहीं पाएंगे, हम अपनी जान बचा लेते हैं, बाकी लोगों को बुला देते हैं। फिर हमने अपने बच्चों को हाथ में लेके, अपनी घर के जो मेंबर्स थे उनको हाथ में लेके हमने सब पीछे की तरफ निकल गए। पैसा का जो बटुआ है वो भी ऐसा रख दिया था, जो कपड़ा का बैग है वो भी ऐसा रख दिया था, सिर्फ बच्चा नींद में था, मेरे बच्चा को ऐसे सिल्ला पर उठा के लेकर सीधा मैं बाप के जाऊँ, मैं इतना सिल्ला रही हूँ पता भी नहीं है, मैं बाप पागल का तरह हो गया, इतना बड़ा आप है। अपने आप पर शर्मिंदा होता हूँ मैं कि मैं आग को बुझा क्यों नहीं पाया, नुकसान से हम लोगों ने बचा नहीं पाया, हमने कोशिश किया था लेकिन फिर भी अपने आप पर मुझे गुस्सा था। फिर भी हम लोग, बहुत से लोग रो रहे थे, उनका रोना देख के मेरे को भी रोना आ गया। हमारा जो है यूएन के पास जो डॉक्यूमेंट है सब जल गया, हमारा कोई अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो मेरा बादशाह का स्कूल का सर्टिफिकेट था, कागज था, जो वो भी जल गया। मेरे जुग्गी में जितना सी सब बहुत मेरे लिए बहुत कीमती है। चूल्हा जल गया, फ्रिज जल गया, और कपड़ा और सामान पूरा पैसा 20-25 हज़ार इतना अलग से हुआ, 20-25 हज़ार का लॉस हुआ। दौलत का लालच करेंगे तो जान चली जाएगा, फिर दोबारा काम आएंगे आएगा, मेहनत करेंगे आएगा, छोड़ दिया भाग गए। लोगों ने सोच के रखा था कि इस पैसे को मैं इस काम पे लगाऊंगा, इस पैसे को इस काम पे लगाऊंगा, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस पैसे को मैं यूज़ करूँगा। ऐसा करके किसी के घर में 20 हज़ार, किसी के घर में 10 हज़ार, किसी के घर में 5 हज़ार, किसी के घर में 30 हज़ार, बहुत पहले का पैसे ऐसे करके बेचारों ने सब ने इकट्ठा करके रखा था, सबका पैसा भी जल गया। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा कि ये जो लोग यहाँ पर हैं, बर्मा के लोग, रिहंगी मुसलमान जिनको कहा जाता है, ये घुसपैठिया नहीं है। ये बर्मा में जो राइट्स हुए बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के बीच में, तो ये राइट्स विक्टिम्स हैं, एक तरह से दंगा पीड़ित हैं, और इन्होंने इंडिया में अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर लिया है, और इनको यूएन ने बाकायदा रिकॉग्निशन दिया है एज ए रिफ्यूजी। वहाँ पर तो हमारी ऐसे घर बारी जला दिया था ऊपर से, और हेलीकॉप्टर से और मिसाइल मारा, जला गया पूरा गांव जला गया, ऐसे ऐसे किसी का घर में एक बच्चा, किसी के घर में एक भी नहीं बचा, ऐसे भी है किसी का बच्चा का माँ बाप ख़त्म हो गया, बच्चा है, ऐसा हाल है। अपने अपने जान बचा, अपने खुद बच्चा छोड़ के भाग रहा, कुछ जान बचाने के लिए बच्चा छोड़ के भाग गया, ऐसे ऐसे भी है। हाँ, बस जान से बच कर यहाँ भी हालत, हम हिंदुस्तान जैसे जो सब भाई लोग जैसे मिल के चल रहे हैं, हम भी ऐसे मिल के चलने चाहता हूँ वहाँ, फिर हम लोगों को तो ऐसा आज़ादी देने नहीं दे रहा, हम क्या करें, हम तो इंसान हैं, हम तो जानवर नहीं हो, वो जैसे इंसान हम जैसे ऐसे इंसान हैं, हम लोग ऐसे का जुलूम हो रहा है। या अल्लाह, ये यूएन के रिफ्यूजी हैं और इनको सारी फैसिलिटी मुहैया कराना ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली ये जिस ज़मीन पर यहाँ बैठे हुए हैं,
ये ज्यूरिसडिक्शन तो दिल्ली गवर्नमेंट का लगता है, दिल्ली सरकार का लगता है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो यूपी इरिगेशन एक डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग कहते हैं यूपी इरिगेशन, उस डिपार्टमेंट की ये लैंड है। कल रात यहाँ पे जो आग जली है या फिर आगजनी जो हुई है, तो उसकी वजह से यूपी इरिगेशन को एक मौका मिल गया कि यहाँ से जितने भी रिफ्यूजीज़ थे उन सबको हटा दिया जाए, इसलिए वो लोग जेसीबी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। जेसीबी क्या करती, इस एरिया को लेवल कर देती, लेवल करने के बाद दोबारा हम लोग झुग्गी को फिर एस्टेब्लिश करने का, रिहैबिलिटेट करने का काम करते हैं। ये बेचारे बड़े मासूम इनोसेंट लोग हैं और मेहनत करके, लेबर का काम करके और सीवर में काम करके, बहुत गंदगी में काम करके अपने बच्चों का गुजर बसर करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले एक साल से कम्युनल फोर्सेस बार बार इनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाती हैं, कहती हैं कि इनको भगाओ यहाँ से और ये आतंकवादी हैं, इनको बर्मा छोड़ कर आओ, इस तरह से यहाँ माहौल ख़राब करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं और पूरा दुनिया को पता चले कि हम लोग किस हालत में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और हम लोग क्यों आए हैं अपने देश छोड़ के यहाँ पे, और यहाँ पे भी आके कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं हम लोग। हमारा सुकून कहीं भी नहीं है, और ख़ास करके मुझे लगता है जब से हमने अपना देश छोड़ कर इस देश में आया, अपने देश से भी सुकून इस देश में हमें मिला है और इज़्ज़त भी मिला है, लेकिन अभी इस हाल अभी एक दो साल के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हमें मिल रहा है। कोई भी अभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर कल से मौजूद नहीं, अभी तक नहीं आया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनका किसी का वोट नहीं है। अगर वोट होता तो सारे हुकूमत में बैठे हुए नेता यहाँ आके नेतागिरी करते, तरह तरह के अनाउंसमेंट करके जाते। द्वारा द्वारा होने के बाद हम अभी सोच रहे हैं फिलहाल यहाँ नहीं रहेंगी, यहाँ फिर भी इस मेहनत से हम कुछ करेंगी, फिर भी जला देगी, जहाँ पे जॉब मिल जाए, जहाँ पे अच्छा काम मिल जाए, वहाँ से रूम फेरिया से लेकर वहाँ बादशाह को अच्छा सा, अभी तो सामान जल गया, जिसे बादशाह के लिए हम जी रहा है वो बादशाह को जान का खतरा है यहाँ रहने में, तो इसलिए हम यहाँ रहने नहीं चाहती है। मेरे बादशाह को लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ।